रोड NH 57 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम अभी है तमरिया रेलवे स्टेशन पे। सामने में दिखाई देते होंगे कि तमरिया का बोर्ड लगा हुआ है। ये जो आप देख रही है, ये है पूरब साइड का बोर्ड तमरिया रेलवे स्टेशन का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नए नए अपडेट लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं तमोरिया रेलवे स्टेशन पे कितना काम हुआ। तो हम अभी प्लेटफार्म एक पे है और प्लेटफार्म दो पे टाइल्स बिछाने का काम पूरा हो चुका है और एक शेड भी लग चुका है। पूरब साइड से एक शेड और लगाना है बड़े वाले। इस स्टेशन पे टोटल दो प्लेटफार्म बनाई गई है, दो ट्रैक बिछ गई है और तीसरा ट्रैक बिछाना बाकी है। काम अभी जारी है, धूप के कारण काम को रोक दिया जाता है। मिथिला दीप हॉल्ट रेलवे स्टेशन और नेमुआ का बीच का स्टेशन है तमोरिया रेलवे स्टेशन। नेमुआ यहाँ से 3.50 किलोमीटर है और मिथिला दीप हॉल्ट यहाँ से 4 किलोमीटर है। पूरब सहरसा जा सकते हैं और पश्चिम दरभंगा जा सकते हैं। कुछ काम होते तो हम लाइव दिखा देते, लेकिन काम अभी बंद है, इसके लिए यह छोटा सा वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, हम नए नए अपडेट लाते रहते हैं। तमोरिया रेलवे स्टेशन पे जो पहली बार आ रहे हैं, चंद्रागंज या अररिया संग्राम से आ रहे हैं, तो उनको पहले यहाँ से पूरब जाना पड़ेंगे। पूरब जाके गुमती के पास कट होने पड़ेंगे, फिर पश्चिम आने पड़ेंगे और इस पीपल के पेड़ के पास से मधेपुर जाना पड़ेंगे। तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा बदल गया है, दिक्कत होता है। तो नई ट्रैक बिछा दी गई है, नई रोड बना दी गई है। तो आप आराम से आइए और आराम से जाइए, सावधान रहें।